वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र हाई स्कूल में है, क्लास 10 की बात करने वाला है, साइंस मतलब कि विज्ञान का पेपर होने वाला है। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 90% लाएंगे, मतलब कि आपको याद रखना 90% प्लस आपको यहाँ मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 90% प्लस समझ लो, पक्का यहाँ से मिलने वाली है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इन क्वेश्चनों पर टिक लगा लो, अपने बुक नोट्स जैसे पर जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आप टिक लगा लेंगे। बाकी कुछ मत देखना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। देखो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। टिक लगा लो, पहला चैप्टर में आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को छोड़ देना, रिडॉक्स अभिक्रिया को याद करेंगे, जो छुड़वा रहा हूं उसको छोड़ देना, याद रखना, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, संचक्रण के बारे में छोड़ देना, और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, इसको देख लेना, और कृदंत का इसको देख, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आप इसको देख लेना, बस इतने आपको देख लेना। बाकी मैंने यहाँ तीन क्वेश्चन यहाँ छुड़वा रखे, इन तीनों को नहीं देखना है, ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आपको, ये रिएक्शन है, यहाँ से रिएक्शन एक भी बाहर नहीं जाएगी, इतना आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है, दूसरे चैप्टर में अम्ल क्षार और पीएच मान, ठीक है, और लवण और उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप देखेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, पीएच मान पैमाना किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, और देखो बेकिंग जो सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, धोने कह सकते हैं, धोने का जो सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्लास्ट ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लास्ट ऑफ पेरिस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसका प्रयोग बनाने की विधि क्या होती है, ये क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है धातु और अधातु के बारे में। यहाँ देखो बोला गया है कि जो जो होता है सक्रियता सरणी होती है, सक्रियता सरणी किसे कहते हैं, खनिज क्या होता है, अस्क की परिभाषा, निष्पात को छोड़ दीजिए, भर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रगलन क्या होती है, प्रगलन की परिभाषा, धातु मल किसे कहते हैं, गलक को छोड़ दीजिए, मिश्रित और या फिर मिश्र कह सकते हैं मिश्र धातु या फिर मिश्रित धातु बोला जाता है, इसके बारे में याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है जो होता है संचरण किसे कहते हैं, संचरण के बारे में, धात्विक एवं धातु कर्म को छोड़ दीजिए, धातु कर्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, या धातु कर्म को आप लॉक करेंगे, धातु कर्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम धात्विकी भी बोला जाता है। उसके बाद में चौथा चैप्टर आपका आ जाता है। देखो चौथे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, साइंस वालों, हाई स्कूल वालों ध्यान रख लेना, ये 2022 में पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ आपको देखो कार्बन की परिभाषा पढ़नी है, श्रृंखला किसे कहते हैं, ठीक है, और देखो समजात श्रेणी किसे बोला जाता है, अथवा समजातीय श्रेणी बोला जाता है इसे, ठीक है, समजाती बोलते हैं, और अभिव्यता किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रोजन के बारे में छोड़ देना, यहाँ आपको आईपीसी के नाम तो याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साबुन के बारे में पढ़ लेना है, और किडवन किसे कहते हैं, किडवन की क्रिया जो होती है, एथेनॉल छोड़ देना, एसिटिक अम्ल छोड़ देना, दहन अभिक्रिया के बारे में, योगात्मक संलयन के बारे में जो अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया, बहुलीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ लेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ के जाएंगे, और किडबन मैं ऊपर बता चुका हूँ, एसिडिक अम्ल को छोड़ देना। पांचवें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पांचवें चैप्टर को ओपन करिए, और पांचवें चैप्टर में आपको टिक लगाना है मेंडल के जो था मेंडलीव के कैसा था मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में और आधुनिक आवर्त नियम के बारे में, ठीक है, और देखो धात्विक और अधात्विक धातु इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, ये आपको देखो विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, ठीक है, और आप ये देखेंगे मेंडल यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण और दोषों के बारे में आपको याद कर लेना, बाकी इसके आवर्त सारणी की विशेषता छोड़ देना, ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद में हम छठे चैप्टर पर जाएंगे और जैविक प्रक्रम को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है जैविक प्रक्रम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में याद करेंगे, श्वसन क्या होता है, श्वसनवास क्या होता है, मतलब श्वसनवास सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में, पितरस के बारे में छोड़ देना, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, और देखो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, लसीका छोड़ देना, और देखो धमनी और सिरा में अंतर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, बिंदु स्राव क्या होता है, ठीक है, बंद और खुला रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, आहार नाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पाचन के बारे में, पाचन आहार नाल के अंतर्गत आ जाता है, ये क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, ठीक है, बाकी जो मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया उसको याद नहीं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आठवें चैप्टर में जाएंगे, आठवें चैप्टर में आपको क्या इंपोर्टेंट है, देखिए जीवन बोला गया है, ये आपको जो चैप्टर का नाम हो जाएगा जीव जनसंख्या जीव जनन कैसे करते हैं, तो जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं, तो देखो कह सकते हैं पराकणों के बारे में याद करेंगे, कार्यकी जनन क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे, कार्यकी जनन क्या करते हैं, पौधों का आलैंगिक जनन के बारे में याद करेंगे, पौधों का आलैंगिक जनन, और कह सकते हैं परागण की परिभाषा के बारे में याद करेंगे, परागण की परिभाषा क्या होती है, परागण के अंतर देखेंगे क्या अंतर होता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है,
मोस्ट पे लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाता है। निश्चेतन किसे करते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। और पुत्र और मादा के मिलन अंग के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। और अनावृत जीव पौधा जो होता है उसके बारे में आप देख लेना, लैंगिक जनन क्या होता है, बस इतना आप देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। यहाँ जनसंख्या विस्फोट के बारे में जरूर पूछता है, वृद्धि विस्फोट को ही बोला जाता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नंबर चैप्टर है अनुवंशिकता और जैविक विकास के बारे में। यहाँ देखो मेंडलीव के कह सकते हैं अनुवंशिकता के जो नियम है उनके बारे में याद करेंगे, और लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र के बारे में, ठीक है, याद करेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन की परिभाषा के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। डार्विन का सिद्धांत क्या था, नव डार्विनवाद के बारे में याद करेंगे, लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद दोनों को याद करेंगे। जीवाश्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवाश्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिंग गुणसूत्र के बारे में ऊपर बता रखा है। द्वे संकर संकरण क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दसवें चैप्टर में जाएंगे और पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन को, जो चैप्टर का नाम हो जाएगा, इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, मुख्य फोकस के बारे में याद करेंगे, वक्रता केंद्र को छोड़ देना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश अपवर्तन अपवर्तन के नियम के बारे में याद कर लेना, और स्नेल के सूत्र के बारे में, दर्पण दोनों पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी हम छोड़ देंगे, कुछ बाकी कुछ नहीं देखना, जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन याद कर लो, बाकी कुछ नहीं आने वाला। एग्जाम 2022 का इसी तरीके से पेपर बनेगा और यही छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले मानवनिर्मित और रंग जो बिगड़ता संसार है उसके बारे में पूछा गया है। देखो मानव नेत्र के बारे में पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, संजन क्षमता क्या होती है इसको देख लेना, दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और ये आप दोनों को देखेंगे, और वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद में विद्युत के बारे में चैप्टर जाएंगे, विद्युत इसमें आप याद करेंगे, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आमीटर क्या होता है, ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे, संयोजन को छोड़ देना, विद्युत ऊर्जा को छोड़ देना, ठीक है, और न्यूटन की संख्या को छोड़ देना, ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं ऊपर दे चुका हूं, देखो यहाँ ये वाला नियम है ओम का नियम, ये वाला तो यहाँ देखो ओम का नियम है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन किस प्रकार से होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का आप देखेंगे। अब देखिए 13वें चैप्टर में जाएंगे, इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में दे रखा है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में याद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हम इसको पढ़ेंगे, और वैद्युत चुंबकीय प्रण के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रण क्या होता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे उत्प्रण कह सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, उत्परिवर्ती उत्परिवर्ती धारा को देख लेना, डायनमो के बारे में, डायनमो क्या होते हैं, विद्युत जनित्र क्या होते हैं, विद्युत जनित्र के बारे में देख लेंगे, दृष्टि धारा क्या होती है, ठीक है, और विद्युत मोटर सिद्धांत क्या होता है इसको पढ़ेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे। 14वें चैप्टर में जाएंगे, 14वें चैप्टर में देखेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है, बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, बायोमास जिसे बोलते हैं, ठीक है, जैव मात्रा को बायोमात्रा बोला जाता है, और पवन ऊर्जा इसको छोड़ देना, सौर ऊर्जा इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाभिक विखंडन किसे कहते हैं इसको पढ़ लेना, नाभिक विखंडन, नाभिक के संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नवीकरण स्रोत को छोड़ देना, सौर कुकर उनके लाभ दोष क्या होते हैं, सौर कुकर के लाभ और दोषों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद में 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ देखिए क्या क्या बोला गया, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, 15 चैप्टर है जिसमें हमारा पर्यावरण का चैप्टर का नाम हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे जैविक अवर्धन क्या होता है, प्रदूषण के बारे में पढ़ लेंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, और बाकी इसको छोड़ देना है, और यूए ऐसे पर टिप्पणी आपको देख लेना है, और आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला को देख लेना है। ये है 2022 में आने वाले प्रश्न, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 90% प्लस आप लाने वाले हैं एग्जाम में, 90% यहीं से मिलेगा देखने को। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और हो सकता है ये फूड जो श्रृंखला आप देख रहे हैं चैन सीरीज के बारे में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फूड श्रृंखला, आहार श्रृंखला, खाद श्रृंखला, फूड श्रृंखला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे, और आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।